Assalamualaikum guys, I'm back with another tutorial video. तो गाइज आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप अपने GTA 5 के अंदर फरारी ला फरारी कार मोड कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. तो इंस्टॉलेशन एंड उसका साथ रिव्यू भी है, तो कस्टमाइज करके दिखाऊंगा एंड सब कुछ मैं उसका आपको फीचर और सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है क्या. तो फरारी ला फरारी जो मोड है ना, वो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी और HD मोड है GTA 5 कार्स वाला, ठीक है. तो चलो इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं. उसका जो ला फरारी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया वीडियो के, अब वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, ठीक हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ओपन आईवी कर लेना ओपन ये विंडोज़ के लिए. उसके बाद आपको डाउनलोड्स में जाना है जहाँ पर आपने उसको किया हुआ एक्सट्रैक्ट. ये साइड बाई साइड रख देते हैं हम लोग, एक साइड पे ये और एक साइड पे आ जाएगा. तो साथ ही इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं. अभी ना यहाँ पे ये हो चुका है, एक्सट्रैक्ट हो चुका है. एडिट मोड ऑन कर लेते हैं, ला फरारी आ जाते हैं यहाँ पे. मोड्स अपडेट्स 64 DLC पैक्स, ठीक है. तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक हो गया. यहाँ पे पेस्ट हो गया. तो अब एक बार एडिट मोड को रिफ्रेश कर लें, देन उसके बाद आपको जाना है अपडेट RPF कॉमन डाटा एंड यहाँ पे आपको आना है DLC लिस्ट. ये रीडमी के अंदर इसकी जो फाइल होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी. इसका वो वाला ये आइटम DLC वाली लाइन, ये आपको यहाँ से लाइन को कॉपी करना है. ये यहाँ पे आपको जाना है इसके सबसे लास्ट पे. यहाँ पर एक सेकेंड वेट करते हैं. यहाँ पे मेरा जो था ना, लास्ट टाइम मैंने मोड इंस्टॉल किए थे ना, तो जो है ना यहाँ पर वो हो गया था, क्या कहते हैं, पीछे स्पेस ख़त्म हो गया था, ठीक है. तो वो रहता तो ठीक है बट अजीब सा लगता है फिर भी. तो यहाँ पे स्लैश मैं सेट कर लेता हूँ और स्लैश भी सेट कर लेते हैं और यहाँ पे स्लैश सेट कर लेते हैं, ठीक है. जो आपकी लास्ट पे लाइन होगी ना, उसके आपको नीचे इसको ला के पेस्ट कर देना है. ये कर दिया पेस्ट, यहाँ से इसकी जो है ना वो स्लैश सेट कर देता हूँ. ये सेव हो गया, ठीक हो गया. एडिट मोड को बंद कर दें, इसको भी बंद कर देते हैं. उसके बाद फरारी वाला मोड भी इंस्टॉल हो चुका है. तो ये कह रहे हैं ओपन हुआ है, हाँ जी ये इसका ओपन हुआ था. तो मैं बंद कर देता हूँ एंड अब चलते हैं गेम की तरफ. मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ फरारी का. अभी हम लोग जो है ना गेम के अंदर आ चुके हैं एंड अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप लोग कैसे उसको बुला सकते हैं, गाड़ी को स्पॉन कर सकते हैं. उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जाना है यहाँ पर स्पॉन व्हीकल ऑप्शन में इनपुट मॉडल में, ठीक है. वहाँ पे आपको ला फरारी सर्च करना है, LAFERARI, ला फरारी. ये गाड़ी है भाई, आप लोग देख सकते हैं बहुत सुपर हाई क्वालिटी की गाड़ी है भाई. हैंग हो रही है गेम अभी से मेरी, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है. तो फुल ऑटो स्पॉइलर गाड़ी, बहुत ज़्यादा प्यारी है. तो चलते हैं पहले मेंशन में, वहाँ पे गाड़ी कस्टमाइज़ करते हैं और आपको पूरा इस गाड़ी का मैं रिव्यू देता हूँ. ये आ चुके हैं हम लोग मेंशन के पास, ये आ गए हैं घर के अंदर, ये आ गए हैं जी हम लोग अभी अंदर. तो देख सकते हैं आप लोग मेरी गेम कितनी ज़्यादा हैंग कर रही है. यहाँ पे अल्लाह के भाई ला फरारी जो है ना खड़ी कर देते हैं. अब बारी आती है इसकी कस्टमाइजेशन की. तो बहुत जल्दी से इस तरह ऐसे टाइम नहीं लगेगा, ऐसे बस फेंकनी है मैंने कस्टमाइज. तो टायर जो है ना भाई, मुझे ये वाले टायर सबसे बेस्ट लगते हैं. डैश VIP OP टायर है यार, OP टायर है. ब्लैक कलर और साथ फुल कस्टम हुए हुए यहीं. अब अभी आप इस अभी तक अभी सही गाड़ी की जो है ना लुक चेंज होगी, ठीक है. अभी और आगे आता है कस्टम फ्रंट बम्पर. तो यहाँ पे ये आप लोग स्प्लिटर लगा सकते हैं फेंडर्स में. उसके बाद ये लाइट्स चेंज हो रही हैं, यस फेंडर्स में आप लोग लाइट्स चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. एंड मैं ये रखता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों की ये जो है सिंपल सिंपल आ चुकी हैं आगे सस्पेंशन और ये सारी चीज़ें. सस्पेंशन का इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है मगर फिर भी आप बात ही असली चीज़ पेंट होना चाहिए इसका फुल वाइट पेंट अच्छा लगेगा. बट जब के है ही फरारी का रेड कलर, तो रेड रख के चेक कर लेते हैं. OP लग रही है मगर वाइट पे लग रही थी ना,
वैसी ओपिनियन अलग रही। वाइट वो हो गया जी कलर, उसके बाद आता है सेकेंडरी कलर, ब्लैक रख देते हैं सेकेंडरी कलर। उसके बाद आती है नियॉन लाइट, हर तरफ मैं लगा दूंगा क्योंकि नियॉन लाइट तो फिर पता है ना आपको, पर्पल कलर की नियॉन लाइट रखते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ आ जाती हैं, तो मैं थोड़ा सा लाइट सा करता हूँ। उसके बाद आ जाता है आगे हेक्सागन लाइट्स, और मतलब सेम बिल्कुल कलर की हमने ये करनी है, बस ठीक हो गया। ये जो है हमारी ला फरारी ना, फुल कस्टमाइज हो गई है, गुड हो गया जी। तो अभी मैं टाइम जो है पूरा रात कर देता हूँ, और इसके आपको मैं थोड़ी सी ड्राइव देता हूँ बाहर निकल के गाड़ी की, ठीक हो गया। ओ भाई जान, भाई जान, गाड़ी अब आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। टाइम जो अब है ना वो ज़्यादा कर देते हैं, 0 बजे का, आई मीन ठीक हो गया। ये वो कैश भी मिल गया, वो भाई ओपी ओपी ओपी, जो इसके बैक हेडलाइट्स लग रही है ना, बाप बैक हेडलाइट्स लग रही है। उसके बाद तो इसके आप लोग लो और हाई भी कर सकते हैं, हाई पे जो गाड़ी, भाई जान भाई जान। अभी चलते हैं जो पास पेट्रोल पंप है वहाँ से पेट्रोल भरवा लेते हैं गाड़ी के अंदर, और इतने में आप लोगों को इसका रिव्यू भी अच्छे तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। फ्यूल तो बहुत जल्दी खाती है भाई, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा यार, हेडलाइट्स किसके लिए हैं मगर फिर भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जितनी जितना जल्दी मैं पहुंच सकता हूँ, ओ ओ बेटे, ओ जा रही, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। मैं कह रहा ओके, हमारी लव फरारी जो है ना भाई, बहुत ओपी चीज़ है, उड़ा के बाहर फेंक है। अभी जो है ना हमारा पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम है, ओ यार उड़ के उधर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अभी ऐसे तो पहुंचने नहीं वाली, सबसे करीब तरीन ये वाला पेट्रोल पंप है जो है ना वहाँ, वहाँ से आप इतना तो आगे में जा ही सकते हो। ओ भाई चलो यार, क्या मर्जी है वहाँ से आगे, वो पेट्रोल है ही नहीं इसके अंदर, पंप के अंदर ऐसे तो ना करो यार मेरे साथ। ओपी हो गया जी, ओपी हो गया, गुड हो गया। एक और चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है कि मैंने गाड़ी की भी है सेव, तो यहीं से अब हम लोग गाड़ी को स्पॉन कर लेते हैं। ये कौन सी होगी भाई, ला फिरारी करनी है, ला फिरारी। पेट्रोल गाड़ी वाले काफर है यार, मैंने पेट्रोल ही दे रहे मुझे। अच्छा, रात के टाइम नहीं मिलता, तो ठीक है मैंने आपको सारा रिव्यू दे दिया है। एंड अगर आपको ये मोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, इस मोड को ट्राई करें, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड अल्लाह हाफिज़।